मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम निकल रहे हैं पटियाला टू चंडीगढ़ के लिए, और देखिए पैकिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और आज धूप भी निकल चुकी है बहुत अच्छी। मेरी बैक साइड पे धूप बहुत अच्छी आ चुकी है जैसे आपको दिख रही है, और फिर आपको रेडी होके मिलते हैं। गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए चंडीगढ़। तो ये देखिए, अभी भी मैडम की सेटिंग अभी तक नहीं हुई, पैकिंग अभी भी चल रही है इनकी, और ये अभी भी रेडी नहीं हो पाई हैं। और टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं और 2 घंटे लग गए इनको रेडी होते होते, लेकिन अभी तक ये रेडी नहीं हो पाई हैं। अब लास्ट एंड द लास्ट हम रेडी हो चुके हैं, और आज हमारे साथ हमारी मम्मी भी जा रही है घूमने के लिए, और मैडम भी पूरी रेडी हो चुकी है। और लेट्स गो। ये घर से हम चल पड़े हैं, अभी टाइम हुआ है 12:30, बहुत टाइम लगा निकलने में। और ये हम पटियाला से चंडीगढ़ के लिए चल पड़े हैं, और ये अभी यहाँ पे नया बस स्टैंड बन रहा है पटियाला में, और उसके सामने हॉस्पिटल बन रहा है, और ये हाईवे की क्रॉसिंग ऊपर से बस स्टैंड की दे रखी है ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना आए। पहले ये रास्ता कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था ताकि ये अच्छे से बन सके और जल्दी बन सके। ये जो पुल जा रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये सीधा संगरूर क्रॉसिंग है। यहाँ से सीधा संगरूर बाईपास होके आप बठिंडा जा सकते हो। सीधा जा रहे हैं राजपुरा। मम्मी भी अब बता रही है, देखो ये कौन सी मार्केट है पटियाला की। ये अर्बन स्टेट है, फेस टू। आप देख रहे हैं ये पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं। ये मेन यूनिवर्सिटी है पटियाला की। यहाँ का भी आपको बहुत जल्द ब्लॉग दिखाएंगे। लस्सी करती मम्मी। देखो जेसीबी ते बंदे चढ़े हुए ने फुल स्पोर्ट ते। आ देखो, ओ ओ ओ ओ क्या रश होएगा। चंडीगढ़ के आगे सारे शोरूम्स हैं कार्स के, महिंद्रा, किया, हुंडई, जितने भी शोरूम्स हैं कार्स के सब यहीं पे हैं। और ये हमारा पहला टूर आ चुका है। अरे हमारी मम्मी को 5 रुपए की टेंशन हो गई है। अब मम्मी लड़ने जा रहे हैं। मम्मी ने अपना चाकू निकाल लिया है। हम यहाँ से आएंगे नहीं। टोल पे बहुत ही ज्यादा रश है और सारी ट्रैफिक रुकी हुई है। बहुत स्लो टोल है ये, फास्ट टैग होने के बाद भी ये हाल है पेट्रोल का। रोड बाहर से क्रॉसिंग होती है और ये
है, सीधा लुधियाना भी जाती है। अभी हम चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे आ चुके हैं, यहाँ से चंडीगढ़ सिर्फ 41 किलोमीटर है और शिमला 142। ये जो मेरे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये है चित्तकारी यूनिवर्सिटी और यहाँ पे अदर स्टेट्स के भी बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत। अभी जो ये सीधा रोड जा रही है वो है सीधा शिमला जीरकपुर रोड, लेकिन हम यहाँ से कट जाएंगे मोहाली और लांडरा रोड पे। बनूर से लेकर लांडरा तक ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और लास्ट टाइम इसी रोड पे मैं थोड़ी स्पीड पे था तो मेरी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था। आप लोग भी देख ही रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा रोड ये ख़राब है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं इस रोड पे। और ये हम आईटी सिटी पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ की, जो अभी बन रही है, अभी स्टार्ट हुई है, ये एरो सिटी में एंटर करने लगे हैं। ये रोड भी पहले बहुत साफ सुथरी थी लेकिन अभी यहाँ भी थोड़े हाल माड़े हो चुके हैं रोड के। कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रही है, कंस्ट्रक्शन की देखिए ये राइट लेफ्ट राइट दोनों साइड कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी के लिए ये रोड वन वे कर रखी है, वो रोड शायद उन्होंने दोबारा से बनाने के लिए बंद कर रखी है। ये है सेंटर मॉल और इसके बाद हमारी आएगी, जा रहे हैं सबसे पहले अलांटे मॉल जो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है और पंजाब का ही शायद सबसे बड़ा मॉल है ये। और ये है हमारी प्यारी नैनो जो रतन टाटा जी की तरफ से एक तोहफा है और ये अभी न्यू दोबारा से लॉन्च हो रही है सीएनजी में। ये अलांटे मॉल हम पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पे मास्क बहुत ज़रूरी है, सभी ने मास्क लगाए हैं और कोविड की जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं है यहाँ पे। ये है मॉल द अलांटे मॉल। और ये मेरी मैडम और आज हमारे साथ मम्मी भी आए हैं, वो थोड़ी चेकिंग काउंटर पे अभी चेकिंग करवा रहे हैं तो चेकिंग के बाद उनकी एंट्री होगी। और यहाँ पे हर तरह के शोरूम है, जो आपको कहीं शोरूम नहीं मिलेगा वो अलांटे मॉल में मिलेगा, चंडीगढ़ के अलांटे मॉल में। इसकी लोकेशन मैं डाल दूंगा आपको, किसी ने भी आना हो तो मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। जो लोग चल नहीं सकते हैं उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है। साफ सफाई का यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखा जाता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लीनी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया है इसको। संडे होने के कारण यहाँ पे आज रश थोड़ा ज़्यादा है। अभी टाइम हुए हैं, अभी 2:30 बजे हैं और रश बढ़ता ही जा रहा है। कार पार्किंग के लिए जगह बहुत मुश्किल से मिली है मुझे।
ये हमारे सलमान खान जी का ब्रांड बीइंग ह्यूमन, जो आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे यानी यहाँ पे शेरवानी, कोट पैंट शादी के लिए। घूमने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ये हमारे घर का ट्रिपोर्ट प्राणी ऐसे निकालता चीटिंग है इसको, ये स्टेयर से बहुत डर लगता है और इस पे चढ़ती नहीं है। ये होम डेकोरेशन के लिए जो सामान मिलता है होम्स। रेस्ट करने के लिए ये वुडन के बॉक्सेस बनाए गए हैं, जहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन भी की हुई है इन्होंने, और आप बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली लोग घूम के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ये लोकल लोगों ने लगाई हुई है। ब्लू स्टोन पर ज्वेल वहां पे फोटोशूट चल रहा है अभी। खेलने जा रही है गेम्स फैमिलीज में, ये देखिए इसको गेम्स खेल लिए फैमिलीज में, बच्चा बनना है इसको। और ये बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रेन है जो 150 रुपीस लेती है और आपको मॉल के दर्शन करवाएगी अच्छे से, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठ सकते हैं। लास्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ पे खाने के लिए सब कुछ मिलता है। तो गाइस अब मॉल घूमने के बाद हमें लग चुकी है भूख और हम अब आ चुके हैं हम अपने फेवरेट ब्रांड डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांडेड हैं, मिस्टर वेज, चावला, डोसा हब, रोल किंग एंड सिजलर कैफ़े आइसक्रीम। और यहाँ पे आप रश भी देख सकते हैं कितना सारा है। ये देखिए यहाँ पे रश कितना है। और ये मेरी मम्मा अब गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, गेम के बिना इनका सरता नहीं। ये अब खाने के लिए रेडी हो चुके हैं, देखिए कि हम वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन बर्गर किंग वालों से देख लो खुशी कितनी आ गई है इनके फेस पे। चलो उतरो। और ये खा के बर्गर किंग्स के बर्गर बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, अब कहते हैं हमें आइसक्रीम खानी है। आराम से बेटा आराम से।
मैं नहीं उतरी। कोई बात नहीं। आप, आपको डर लगता है इससे? हाँ मुझे बहुत डर लगता है इससे। वो क्यों? ये कौन सा आपको कुछ कह रही है? आराम से चढ़ो, इस पैर रखो। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगी इस पे। और ये कोई शर्माने की बात नहीं है, डर लगता तो लगता है। ओके थैंक यू। और ये हम मॉल से बाहर आ चुके हैं, एक्सप्लोर कर लिया सारा लांटे मॉल। और मम्मी हमारी वैसे थक चुकी है बहुत ज़्यादा घूम के, तो मम्मी कहती है अब मेरे से चला नहीं जा रहा। तो अभी हम इनको कुछ और आइसक्रीम वगैरह खानी है, तो देखते हैं रास्ते में कहाँ मिलती है। तो ये मॉल के बाहर का व्यू है और हम अब पार्किंग में आ चुके हैं जो कि आउटसाइड पार्किंग है। यहाँ भी देखिए आज कितना रश है यहाँ पे। तो आज का गाइस ये टूर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है लांटे मॉल का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय। Thank you.